हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हु मूव्ड माय चीज़ बुक की समरी के बारे में, जिसके राइटर हैं डॉक्टर स्पेंसन जॉनसन। इस बुक को अब तक 37 लैंग्वेजेस में छापा गया है और 28 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड बिकी है। इस बुक की थीम है चेंजेस को अपनाना, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए ज़रूरी है जब हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए तो हमें वक्त के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। ये बुक सिखाती है कि हमारे कामकाज और ज़िंदगी में आ रहे परिवर्तनों के प्रति हमें चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि लाइफ की चुनौतियों से हम जीत सकें और सक्सेसफुल बन सकें। लेकिन जब हम इन बदलावों को नहीं देखते या देखकर भी अनदेखा करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। साथ ही ये बुक हमारे कंफर्ट जोन पर भी चोट करती है और इससे बाहर निकलने की सीख भी देती है। हु मूव्ड माय चीज़ की स्टोरी चार लोगों के बारे में है, जिसमें से एक आपको ज़िंदगी में आ रहे इन परिवर्तनों से डील करने के बेहतरीन तरीके सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी सी भूलभुलैया के अंदर चार छोटे लोग रहते थे। स्निप और स्क्री नाम के दो चूहे थे और इतने ही बड़े दो आदमी थे, हैम और हो। चूहे और छोटे लोगों में काफ़ी अंतर थे, पर कॉमन बात यह थी कि इन्हें चीज़ खाना बहुत पसंद था, जो इन्हें बहुत खुशी भी देता था। इसलिए रोज़ाना अपने रनिंग शूज़ पहनते और मेज़ के अंदर चीज़ ढूंढने लग जाते। मेज़ के अंदर अनगिनत गलियारे, अंधेरे कोने, बंद गलियाँ थी, इसलिए इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगाई। स्निप और स्क्री ने ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ किया। स्निप अपनी तेज नाक से चीज़ की गंध को सूंघता और रास्ता बताता। स्क्री तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ता। अगर चीज़ उन्हें वहाँ नहीं मिलती तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेते। दूसरी तरफ हैम और हो अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन के साथ कई प्लानिंग करते रहते चीज़ ढूंढने के लिए। आखिरकार एक दिन उन्हें चीज़ स्टेशन सी मिलता है, जहाँ ढेर सारा चीज़ मौजूद था। ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें वो मिल गया था जो चाहिए था। हैम और हो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने पास वाली दीवार पर लिख दिया, आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हो। स्निप और स्क्री हमेशा की तरह जल्दी उठते, चीज़ स्टेशन जाते, फिर अपने जूतों को अपने गर्दने में लटका लेते ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत पहन सकें। फिर चीज़ खाते। चीज़ खाने के बाद स्टेशन सी की जांच पड़ताल भी करते कि कल से आज के बीच में कुछ बदल तो नहीं गया है, चीज़ कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। दूसरी तरफ हैम और हो अब लेट उठने लगे थे, तैयार होने में ज़्यादा समय लगाने लगे, क्योंकि ये बेफिक्र हो गए कि उनका चीज़ हमेशा वहाँ मौजूद रहेगा। साथ ही ये रोज़ाना हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपना घर स्टेशन के पास ही बना लिया और खुद पर घमंड भी हो गया कि चीज़ उनको ही मिलना था और ये किस्मत में लिखा था। एक दिन स्निप और स्क्री हमेशा की तरह जब जल्दी स्टेशन सी गए तो उन्होंने देखा सारा चीज़ कहीं गायब हो गया। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये पहले से जानते थे कि चीज़ दिन वो दिन कम होता जा रहा था। फिर इन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए अपने जॉगिंग सूट को पहना और मेज़ के अंदर नया चीज़ ढूंढने चले गए। लेकिन उसी दिन जब हैम और हो वहाँ पहुँचे तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हैम जोर से चिल्लाया, मेरा चीज़ कहाँ है, इसे किसने हटा दिया, और गुस्से से लाल हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हो भी बहुत उदास हो गया। कुछ घंटों के बाद उनके दिमाग में आया कि शायद उनका चीज़ किसी ने चीज़ स्टेशन की दीवार के पीछे छिपा दिया होगा। फिर हथौड़ों से इन्होंने दीवार को तोड़ दिया, लेकिन चीज़ न मिला। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और भूखे पेट घर लौट गए और जाने से पहले दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उसे उतने ही ज़्यादा जकड़े रहना चाहोगे। अगली सुबह हैम और हो जल्दी स्टेशन पहुँच गए चीज़ की उम्मीद में, लेकिन चीज़ अब भी वहाँ नहीं था। फिर हो को याद आता है कि स्निप और स्क्री यहाँ नहीं है। हो हैम से कहता है, उन्हें ऐसी बात तो नहीं पता जो हम नहीं जानते। इस पर हैम कहता है, वो चूहे हैं, उनमें हमारी जितनी बुद्धि नहीं होती, हम स्पेशल होते हैं। इसके बाद हो कहता है, हैम हमें चलना चाहिए, नई चीज़ की तलाश करनी चाहिए। इस पर हैम तुरंत मना कर देता है और कहता है, नहीं, हमें यहाँ बैठकर चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, और वैसे भी मेज़ में बहुत खतरा है, हम खो सकते हैं। ये सुनकर हो डर गया और हैम के साथ रुकने का फैसला किया। दूसरी तरफ स्निप और स्क्री सिर्फ और सिर्फ चीज़ ढूंढने के बारे में ही सोच रहे थे। ढूंढते ढूंढते एक नया चीज़ स्टेशन एन मिलता है, जो पहले से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा था। चीज़ के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे जो दोनों चूहों ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हैम और हो अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी अचानक हो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हम कितने स्टूपिड हैं, हम रोज़ाना सेम एक्शन करते हैं और डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। फिर हो ने सोच लिया, यहाँ वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसने अपने रनिंग शूज़ ढूंढना शुरू कर दिया, जो उन्होंने कहीं फेंक दिए थे। अपने दोस्त को शूज़ पहनते देख हैम बोला, तुम मेज़ में जा रहे हो? हो कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। हैम कहता है कि तुम यहीं मेरे साथ इंतज़ार क्यों नहीं करते? फिर हो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है, देखो हैम, कई बार सिचुएशंस बदल जाती हैं
और फिर वे दोबारा वैसी नहीं रहती। हैम, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर हो वहाँ से निकल गया और जाते हुए दीवार पर लिखा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो जाओगे। हो दीवार पर कहावते लिखते हुए आगे बढ़ता है और मेज़ के अंदर, क्योंकि उसे लगता है अगर हैम वहाँ से चलने का मन बना ले तो ये कहावते उसके लिए निशाने का काम करेगी और वह मुझ तक पहुँच जाएगा। जब हो मेज़ की अंधेरी गलियों में पहुँचा तो उसे डर लगने लगा। फिर उसने दीवार पर एक कहावत लिखी, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता। काफ़ी देर इस वाक्य को दोहराने के बाद उसमें एनर्जी आई और उसने कहा, अगर मैं डरता नहीं तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ के बारे में सोचता और इसे ढूंढता। धीरे धीरे हो का डर खत्म हो गया और वह एक चीज़ स्टेशन एक्स पहुंचा, लेकिन वह जैसे ही अंदर गया वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वहाँ पहले ही कोई आ चुका था। वहाँ नई चीज़ के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे जो बहुत स्वादिष्ट थे। फिर हो ने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ छोड़ोगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाओगे। नए चीज़ के टुकड़े मिलने के बाद हो फिर से हैम के पास गया ताकि वह अपने दोस्त को अपने साथ ला सके, लेकिन हैम ने नए चीज़ के टुकड़े लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे तो मेरा पहला वाला चीज़ ही चाहिए। हो फिर दुखी मन के साथ अकेला ही वहाँ से चल दिया। हो एक बात बहुत अच्छे से समझ गया कि ज़िंदगी में परिवर्तन होना तो लाजमी है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें, लेकिन परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकती है जब आप इसकी आशा नहीं करते या इसे पसंद नहीं करते। इसके बाद होने दीवार पर लिखा, पुराने विश्वास आपको नई चीज़ की तरफ नहीं ले जाते हैं। आखिरकार हो एक नए चीज़ स्टेशन एन पहुंचता है, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। हर तरफ चीज़ के ऊँचे ऊँचे ढेर लगे हुए थे। तभी उसे वहाँ अपने पुराने दोस्त स्नीफ ओस्करी नज़र आते हैं। स्नीफ ओस्करी हो का स्वागत करते हैं। फिर हो ने चीज़ का एक टुकड़ा उठाया और कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। फिर उसने अपनी फेवरेट चीज़ को खाया। तभी उसे फिर से अपने दोस्त हैम की याद आती है। वह सोचता है, क्या हैम वहाँ से चल दिया होगा, शायद मुझे उसे यहाँ लेकर आना चाहिए। लेकिन हो अपने पैरों को रोक लेता है और बोलता है, हैम को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, ये उसका कर्म है जो उसे खुद करना होगा, तभी वह उन बातों को सीख पाएगा जो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये थी दोस्तों हु मूव्ड माई चीज़ बुक की स्टोरी। लेकिन मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि इन चारों के लिए चीज़ बस एक खाना था, लेकिन हमारे लिए चीज़ दौलत, नौकरी, प्यार, बड़ा घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, रिस्पेक्ट आदि हो सकते हैं। उनके लिए भूल भुलैया थी जो चीज़ ढूंढने के लिए था। हमारे लिए भूल भुलैया हमारी ज़िंदगी है, जहाँ अपने कामकाज और मेहनत के ज़रिए हम अपनी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कहानी ने कई नौकरियाँ, शादियाँ और ज़िंदगियाँ बचाई है। इस पूरी कहानी से हमें सीखने को मिला कि इस पूरी दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। फर्स्ट, हैम की तरह, जो हमेशा अपने पुराने बिलीव्स एंड थॉट्स में रहते हैं, लाइफ में कुछ भी नया सीखने का ट्राई नहीं करते, किस्मत का रोना रोते हैं, दुखी होते रहते हैं, चेंजेस को नज़रअंदाज करते रहते हैं, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, कंफर्ट जोन में ही जीते रहते हैं, परिवर्तनों को नहीं अपनाते, इससे डरते रहते हैं। सेकंड, हो की तरह, जो खुशियों में इतने मगन हो जाते हैं कि अपने आसपास के बदलाव पर नज़र नहीं रखते, परंतु वक्त रहते अपने आप को संभाल लेते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं, डर को जीतने की कोशिश करते हैं, चेंजेस को अपनाते हैं, नया सीखने को तैयार रहते हैं। थर्ड, स्नीफ ओस्करी की तरह, जो बिल्कुल आलस नहीं करते, अपने आसपास के बदलावों पर नज़र रखते हैं, खुद को तुरंत वक्त के अनुसार ढाल लेते हैं, चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जर्नी का मज़ा लेते हैं। आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब समरी से जो हमें बातें सीखने को मिली वो इस प्रकार हैं, चेंज हैपन्स द कीप मूविंग द चीज़। परिवर्तन होता रहता है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज़ टू मूव। अब जब परिवर्तन होना ही है तो उसके लिए तैयार रहो। मॉनिटर चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज़। अपने आसपास के परिवर्तनों पर नज़र रखो, उसे सीखने की कोशिश करो। अडेप्ट चेंज क्विकली, परिवर्तन आने पर खुद को जल्दी परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करो। इन्जॉय द चेंजेस, परिवर्तनों का मज़ा लो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में सिखाई बातें आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।